ओम शांति। स्पार्क ऑडियो पॉकेट बुक का नाम है यज्ञ रक्षक। पहला है, बाप ने पहले आते ही यज्ञ रचा। यज्ञ को सदा आगे बढ़ाना, भरपूर रखना, यही यज्ञ के प्यारे बच्चों का काम है। जैसे सेंटर का चारों ओर से ध्यान रखते हैं, ऐसे ही यज्ञ का ध्यान रखना हर एक बच्चे का कर्तव्य है। अपने सेंटर पर रहते भी हर एक यज्ञ रक्षक है। यज्ञ निवासी रहने वाले सिर्फ नहीं, हर एक ब्राह्मण बच्चा यज्ञ प्यारा है, यज्ञ रक्षक है। ऐसे अपने को जिम्मेवार समझकर सदा चलना। नेक्स्ट पॉइंट है, ब्राह्मण माना ही यज्ञ रक्षक, तो इतना हर एक ब्राह्मण को ध्यान रखना है। पहले यज्ञ, फिर सेंटर। यह यज्ञ स्थान सभी आत्माओं को यज्ञ प्रसाद देने वाला है। तो आप सभी कौन हो? बाप दादा के साथी हो। बाप दादा यज्ञ रक्षक है ना? आपका टाइटल क्या है? यज्ञ रक्षक हो ना? यज्ञ रक्षक अर्थात जैसे चार सब्जेक्ट है, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। तो तन, मन, धन, सेवा अर्थात समय, यह भी चार सब्जेक्ट है। यज्ञ रक्षक बच्चे इन चारों से सहयोगी बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हर एक को अपने आप से पूछना चाहिए कि जितनी बुद्धि, जितना तन, मन, धन और समय लौकिक जिम्मेवारियों में देते हैं, उतना ही यज्ञ तरफ देते हैं। अगर ज़्यादा नहीं तो उसका वजन एक जैसा होना चाहिए। अगर दोनों तरफ का एक जितना है तो भी नज़दीक गिना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इस अविनाशी ज्ञान यज्ञ को कुंड कहा जाता है। तो इस कुंड को भरना है, इसमें सब कुछ स्वाहा कर देना है। वह यज्ञ तो 10-12 दिन किया, फिर जैसे का वैसा हो जाता है। यह तो अविनाशी यज्ञ है। शिव बाबा का भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर। लेकिन काल कंटक दूर तब होंगे जब नई दुनिया में जाएंगे। यहाँ सब ठीक ही चलता रहेगा। सिर्फ बच्चों की बुद्धि चुस्त, दूरांदेशी होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, जो भी सेवा स्थान है सभी यज्ञ ही है, फिर भी यज्ञ कुंड का महत्व होता है। वैसे भी देखा होगा गंगा और यमुना दोनों का महत्व है, लेकिन फिर भी संगम का महत्व ज़्यादा है। वहाँ नहाना श्रेष्ठ माना जाता है। जैसे विशेष स्थानों का विशेष महत्व होता है, ऐसे मधुबन यज्ञ का विशेष महत्व है। इसे भरपूर रखना यज्ञ रक्षक बच्चों का फर्ज है। हर एक को ऐसा सैंपल बनना है जो उन्हें देख दूसरे भी आकर्षित होकर यज्ञ कुंड में स्वाहा हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट है, जो यज्ञ स्नेही सहयोगी है वह परिवार और बाप दादा के विचारों और जो कर्म होते हैं उनमें एक दो के समीप होंगे, एक दो की मत के भी समीप आते जाएंगे। उनमें मतभेद नहीं होगा। जैसे
यादगार के यज्ञ में आहुति सफल तब होती है जब मंत्र जपते हैं। यहाँ भी सदा मन मनाभव मंत्र स्मृति में रहे तब आहुति सफल हो। तो मंत्र स्वरूप में स्थित होने वाले बनो, सिर्फ मंत्र बोलने वाले नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है, कोई भी यज्ञ रचा जाता है तो सफल तब होता है जब संपूर्ण आहुति डाली जाती है। जरा भी आहुति की कमी रह गई तो संपूर्ण सफलता नहीं होगी। जितना और उतना का हिसाब है, हिसाब करने में धर्मराज भी है, उनसे कोई भी हिसाब रह नहीं सकता। इसलिए जो भी कुछ आहुति में देना है वह संपूर्ण देना है और फिर संपूर्ण लेना है। नेक्स्ट पॉइंट है, हरेक को अपनी सर्विस होते हुए भी यज्ञ की जिम्मेवारी अपने सेंटर की जिम्मेवारी समान ही समझना है, खुद ऑफर करना है। वाणी के साथ साथ वृत्ति और दृष्टि में इतनी ताकत हो जो किसके संस्कारों को बहुत कम समय में बदल दो। मुख्य सर्विस यह है। नेक्स्ट पॉइंट है, जो स्वयं की संभाल करते हैं वह यज्ञ की भी संभाल करते हैं। जैसे रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है, वैसे यज्ञ के मददगार बनना ही मदद लेना है। देते हैं लेने के लिए, एक बार देना अनेक बार लेने के हकदार बन जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, यज्ञ पिता द्वारा ही यज्ञ की रचना हुई है तो यज्ञ कारोबार अक्षर कहने से बाप की याद आती है। कभी भी कोई कारोबार करते हो तो समझो ईश्वरीय सर्विस पर हो वा यज्ञ कारोबार पर हो। इस स्मृति में रहने से यज्ञ रचयिता की स्मृति स्वतः आएगी। कोई भी कार्य करते हुए स्मृति रहे कि इस कार्य के निमित्त बनाने वाला बैकबोन कौन है। नेक्स्ट पॉइंट है, मधुवन यज्ञ भूमि है। जैसे यज्ञ में अग्नि होती है, उस अग्नि में कोई भी चीज पड़ने से जल्दी मोल्ड हो जाती है। जैसा स्वरूप बनाना चाहो वैसा बना सकते हो। तो यहाँ यज्ञ में आए हो तो अपने आप को जैसे बनाने चाहो वैसा सहज ही बना सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है, संपूर्ण कमजोरियों की आहुति डालने के लिए मधुबन महायज्ञ में आते हो तो यज्ञ में सब आहुति डाल दी वह भी रह गई है। आहुति डालने के बाद अंत में कहते हैं स्वाहा। जो स्वाहा हो चुके वह बीती बातों को स्वप्न में भी नहीं देख सकते। नेक्स्ट पॉइंट है, यज्ञ की हर वस्तु स्थूल धन के समान है। जो यज्ञ की हर वस्तु की संभाल करते हैं वे धन से भी सहयोगी बन जाते हैं। अगर यज्ञ की कोई भी वस्तु व्यर्थ भी गवाते हैं तो भी कम खर्च बाला नशीन नहीं कहेंगे। इसलिए यज्ञ की स्थूल वस्तु कम खर्च बाला नशीन बनकर अपने प्रति व दूसरों के प्रति यूज करो। यज्ञ की सेवा यज्ञ की वस्तु की इकोनॉमी रूपी धन स्थूल धन से भी
ज्यादा कमाई का साधन है। नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे कोई यज्ञ रचते हैं तो बीच बीच में आहुति डालते रहते हैं, लेकिन अंत में सभी मिलकर संपूर्ण आहुति डालते रहेंगे, तब सारे विश्व के वायुमंडल व सर्व आत्माओं की वृत्तियां व वाइब्रेशन परिवर्तन होंगे। आप सपने जो विश्व परिवर्तन व विश्व नवनिर्माण की जिम्मेवारी ली है उसे पूरा करने के लिए व अपने कार्य को संपन्न करने के लिए संपूर्ण आहुति डालनी है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस अश्वमेध यज्ञ में मैंपन के अश्व को स्वाहा करना यही अंतिम आहुति है और इसी के आधार पर ही अंतिम विजय के नगाड़े बजेंगे। संगठन रूप में इस अंतिम आहुति का दिल से आवाज फैलाओ, फिर यह पांचों तत्व सदा सब प्रकार की सफलताओं की माला पहनाएंगे। अब तक तो तत्व भी सेवा में कहीं कहीं विघ्न रूप बनते हैं, लेकिन स्वाहा की आहुति देने से आरती उतारेंगे, खुशी के बाजे बजाएंगे, सब आत्माएं अपनी बहुत काल की इच्छाओं की प्राप्ति करते हुए महिमा के घुंघरू पहन नाचेंगी। अच्छा, ओम शांति।